नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जयपुर एक्सोटिक बर्ड्स इन्फो में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड सभी हेल्दी और फिट फाट होंगे। दोस्तों आजकल मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं लोबर्ड्स से रिलेटेड, लोबर्ड्स के एग से रिलेटेड, लोबर्ड्स के एग क्यों नहीं बढ़ रहे या लोबर्ड के एग में से बच्चे कम निकलते हैं और उनमें अनफर्टाइल की प्रॉब्लम क्यों आ रही है या लोबर्ड्स हमारे एग क्यों नहीं दे रहे, इस प्रकार के मुझे काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं। तो आज का दोस्तों जो टॉपिक है वो लोबर्ड्स के एक्स के ऊपर ही होने वाला है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों के सभी सवालों का सॉल्यूशन और सभी सवालों का जवाब मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों तक पहुँचते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए जयपुर एक्सोटिक बर्ड्स इन्फो को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप लोगों को सारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एक जो लोबर्ड का जोड़ा होता है, लोबर्ड का पेयर होता है, वो तकरीबन अंडे देते समय कितने अंडे देता है। दोस्तों एवरेज अंडे वो 4 से लेकर 6 तक एक लोबर्ड का परफेक्ट जोड़ा होता है, 4 से लेकर 6 तक अंडे देता है। और जो हैचिंग परसेंटेज होती है यानी कि जो बच्चे निकलने की दर है, बच्चे कितने निकलते हैं उन अंडों में से, ये टोटली डिपेंड करता है कि हम उनको मल्टीविटामिन कैल्शियम या उनका फूड हम हमारे हिसाब से कैसा दे रहे हैं। जितना अच्छा हम उनको खाना देंगे, जितनी अच्छी हम उनकी केयर करेंगे, हैचिंग परसेंटेज भी उतनी ही ज़्यादा बेहतरीन मिलेगी। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि पहले एक भैया ने मेरे से पूछा कि मेरे लोबर्ड्स ने साल भर में सिर्फ 2 अंडे दिए, एक फोड़ दिया और उसको खा लिया, और अंडे क्यों नहीं देते। तो दोस्तों सबसे पहले मैं उन लोगों का आंसर दे देता हूँ कि दोस्तों जब भी कोई बर्ड अपने अंडे फोड़ के खाने लगता है या बहुत ही कम एक क्वांटिटी रहती है तो दोस्तों उसमें सीधी सीधी सी कमी होती है कैल्शियम की। तो दोस्तों सबसे पहले हमें उनकी कैल्शियम की पूर्ति करनी होती है। अब दोस्तों हम उनकी कैल्शियम की पूर्ति कैसे कर सकते हैं, कैल्शियम हम उनको लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं, ओस्टोविट आता है, काफ़ी प्रकार के कैल्शियम आते हैं जिसे आप लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हो। कैल्शियम आप उनके केज में रख के छोड़ सकते हो जिसमें कैल्शियम ब्लॉक्स होते हैं काफ़ी सारे, आप उनको कैल्शियम ब्लॉक दे सकते हो। इसके अलावा समुद्री झाग, कैटल बोन फिश जिसे कहते हैं, आप अपने बर्ड्स के ब्रीडिंग टाइम पर तो ज़रूर आप उसको केज में रखें। तो दोस्तों इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के आप अपने बर्ड्स की कैल्शियम की पूर्ति कर सकते हो। साथ ही साथ में दोस्तों आप एग सेल भी प्रोवाइड करा सकते हो। बॉइल्ड एग का जो सेल होता है यानी अंडे का जो छिलका होता है, आप भी अपने बर्ड्स को इकट्ठा करके रख के दे सकते हो या उसका पाउडर बना के जो भी फूड खाते हैं सॉफ्ट फूड पर छिड़क के दे सकते हो। ऐसा करने से दोस्तों आपके बर्ड्स के कैल्शियम की कमी पूरी होगी, उनके एग फर्टिलिटी के चांसेस बढ़ेंगे, एग की क्वांटिटी बढ़ेगी और जो एग के फोड़ने की समस्या है वो नहीं फोड़ेंगे। दूसरा कारण दोस्तों एग फोड़ने का ये भी हो सकता है कि बर्ड्स किसी ऐसी जगह रखे हुए हो, उनका केज किसी ऐसी जगह हो जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, जिससे बर्ड्स डिस्टर्ब होने की वजह से बर्ड्स तनाव में आ जाते हैं, वो अंडों पे बैठना छोड़ देते हैं या अंडे को फोड़ देते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को दूसरी ये बात का भी ध्यान रखना है कि बर्ड्स का केज ऐसी जगह हो कि जहाँ पर उनको बराबर प्राइवेसी मिले और जहाँ पे बच्चों का आना जाना ना हो, बिल्ली कुत्ते या इस प्रकार के किसी जानवर का आना जाना नहीं हो जिससे बर्ड्स अनसिक्योर फील करते हो या उनको डर लगता हो। डर लगने की वजह से भी दोस्तों कभी कभी बर्ड्स ऐसा कर सकते हैं। अब दोस्तों जो दूसरा कमेंट आया था वो ये था कि मेरे बर्ड्स ने 6 एग दिए और उनको 27 दिन हो गए, फर्टाइल क्यों नहीं हो रहे हैं, इस प्रकार का कमेंट था। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि जब भी हमारे लोबर्ड एग देते हैं तो जिस दिन एग दे रहे हैं आप लोगों को उस दिन की डेट नोट करके रख लेनी है। उसके फिक्स 21 से लेकर 22 दिन के बीच में आप लोगों को अपने बर्ड्स में चेक करना है कि अंडे की हैचिंग होना शुरू हुई है कि नहीं, यानी कि जो बच्चे निकलना शुरू हुए हैं कि नहीं। यदि 24 दिन या 23 से 24 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं तो आप लोगों को एक बार बर्ड्स के कैंडलिंग करके चेक जरूर कर लेना है कि कहीं हमारे एक्स बर्ड्स ने जो एक्स दिए हैं वो ख़राब तो नहीं हो गए। क्योंकि दोस्तों अगर जो 23 दिन के अधिक का समय लगता है तो यानी कि दोस्तों एग में से बच्चे नहीं निकलेंगे, वो एग्स सारे ख़राब है, अनफर्टाइल एग हो चुके हैं। तो दोस्तों इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है कि जिस दिन एग दे रहे हैं बर्ड्स उस दिन आप लोगों को डेट नोट करके रखनी है। और जो बर्ड्स का एग देने का सिलसिला होता है वो 2 दिन छोड़ के एक एग देते हैं, तो दोस्तों वो 4 से 5 एग देंगे और इसमें आपको नोट करके रखना है और इसी अनुसार आपको उन बर्ड्स की डेट के अनुसार आप लोगों को आगे चेक करना है। अब दोस्तों काफ़ी लोगों का ये सवाल आता है कि हम हमारे बर्ड्स के एग कैसे चेक करें, कैसे पता चले कि हमारे बर्ड्स के एग फर्टाइल हैं और
क्या कारण है कि वो कैसे हम देखें उनके फर्टाइल एग को। तो दोस्तों सबसे पहला जो है, आप लोगों के पास, सभी लोगों के पास आजकल स्मार्टफोन होता है, आप अपने मोबाइल की टॉर्च जला लीजिए, एक अंधेरे कमरे में जला के रख लीजिए। बर्ड्स के एग को 7 से 8 दिन होने पे आप अपने उस एग को धीरे से उठाइए, बहुत ही हल्के तरीके से, अगर आप उठा सकते हैं तो, या आप चेक कर सकते हैं तो। दोस्तों ये चीज़ उन्हीं लोगों के लिए है जो इस काम में एक्सपर्ट है, जो नए हैं वो लोग चेक ना करें, सीधी सी बात बता रहा हूँ। आप अपने बर्ड्स को करने दें, जो वो कर रहा है आप उसको प्राइवेसी दें। सिर्फ ये उन लोगों के लिए है जिनके पास काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स है और वो थोड़ा बहुत समझते हैं बर्ड्स के बारे में। तो आप लोगों को करना क्या है, टॉर्च ऑन करनी है अपने मोबाइल की, कमरा कुछ ऐसा लेना है जहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा हो, आपको हर एक को रख के देखना है। आपको जैसा कि स्क्रीन पे चार्ट दिख रहा होगा, ये चार्ट डे बाय डे के हिसाब से दिखाया गया है। आप लोगों को इसमें कंडीशन देखनी है कि आपका बर्ड किस डे पे है, बर्ड के एग किस दिन, कितने दिन के हो चुके हैं और उसकी कंडीशन इससे मैच हो रही है क्या। अगर जो दोस्तों बर्ड्स की कंडीशन इससे, इस चार्ट में दिए हुए दिन के हिसाब से आपके एग की भी मैच हो रही है कंडीशन, तो आपके बर्ड का एग फर्टाइल है। यदि दोस्तों आपके बर्ड्स के एग ऐसे मैच नहीं हो रहे हैं और तो वो पूरी तरीके से अनफर्टाइल एग हैं, तो बेटर है आप उनको निकाल के अलग कर दें, और ताकि आपके बर्ड्स को थोड़े से और जल्दी समय मिले उसको दूसरे एग देने का और ब्रीडिंग करने का। अब दोस्तों समस्या ये है कि कई लोगों को ये भी नहीं पता चलता कि अनफर्टाइल एग कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि एग अनफर्टाइल है। तो दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर ये दूसरा चार्ट है जो कि ये दर्शाता है कि अनफर्टाइल एग किस किस प्रकार के होते हैं। आप लोग अपने एक्स बर्ड्स के जो एक्स है वो देख लीजिए, ये सामने स्क्रीन पे जो दिख रहा है आपको, इसमें आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए कि इस प्रकार की कोई कंडीशन आती है आपके बर्ड्स के एग में तो पूरी तरीके से अनफर्टाइल है। आप लोग आराम से इसको देख लीजिए, मैं कुछ देर और छोड़ देता हूँ इसको स्क्रीन पर। दोस्तों अब जो बात आती है कि हमारे बर्ड्स के एग अनफर्टाइल क्यों होते हैं, दोस्तों इसके काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं कि बर्ड्स के एग अनफर्टाइल होने के कारण काफ़ी सारे हो सकते हैं। हो सकता है उनका खान पान अच्छा नहीं हो, हो सकता है उनको कैल्शियम मल्टीविटामिन की कमी हो, हो सकता है उनका कुछ ऐसी जगह रख रखाव हो रखा है या ऐसी जगह रख रखे जहाँ उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से वो एग्स पे नहीं बैठते, या हो सकता है मादा मादा पेयर बना लेती है और वो भी अंडे देना शुरू कर देती है, जिनका नौसिखियों को या नए लोगों को पता नहीं चलता है। और लो बर्ड्स में तो दोस्तों खास तौर से मादा और नर का बिल्कुल पता नहीं चलता, चाहे लोग कोई लंबे समय से पाल रहा हो वो भी इसका अनुमान नहीं लगा सकता जल्दी। तो दोस्तों आप लोगों को इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखना है कि जब भी हम हमारे बर्ड्स को लेके आते हैं, बर्ड्स पालते हैं, तो उनके कैल्शियम मल्टीविटामिन और खान पान की विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। वीकली उनको कैल्शियम मल्टीविटामिन की पूर्ति कराई जाए और उनके जो खाने में है वीकली बदलाव किया जाए, सीजनेबल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और जो भी साग सब्जियां हैं उनको जरूर प्रोवाइड की जाए, जिससे उनके शरीर के न्यूट्रिशन की पूर्ति होती रहे। और सीड्स दोस्तों उनको सीड्स मिक्स इवनिंग के टाइम पर दी जाए 3 बजे के आसपास, जिससे उनके सीड्स मिक्स की भी पूर्ति होती रहेगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों के कुछ डाउट मैंने इस वीडियो में क्लियर किए होंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए इसको यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ।